लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग मेरिट में आ गए हैं, मेरिट में इंटरव्यू था। डर लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड बन गई है मिशेल। हाँ हाँ, डोंट वरी डार्लिंग। मिशेल जो है वो मेरी वीडियो बना रही है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि आप किसी और को भी कैमरा दिया करो ताकि आप किसी वीडियो बनाए। पीछे आपको कबाड़ नजर आ रहा होगा, एक्चुअली ये कबाड़ नहीं है, ये कपड़े रखे हुए हैं, सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो कि हमें इस साइड पे रखे हुए हैं। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, ये खैर डायलॉग पुराना हो गया है। तो खैर, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज कल जाना है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का इंटरव्यू, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यार सब्र करो, सब्र करो, हौसला रखो। बता रही है एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये देखो, और यहाँ पे भी हो गई है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एक्नी क्यों हो रही है। यहाँ तो एक तो स्टमक का मसला हो सकता है, दूसरा ये जो मैं सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है, और शायद मैं पानी भी बहुत कम पी रही हूँ, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। एनीवेज यहाँ पर ये देखो, ये लिप भी यहाँ से रेड हो रहा है, तो अब पता नहीं ये क्यों हो रहा है। यहाँ से दोबारा से मुझे डर लगता है कि लास्ट टाइम की तरह लिप्स वैसे ही ना हो जाएं जैसे पहले हुए थे। प्याज वगैरह लेकर आया था और साथ में आलू हैं, और ये जो हैं ये चावल हैं। तो मैंने चावल इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें ना कीड़े आ गए थे, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना ब्लैक कलर के, तो ये देखो ये नज़र आ रहे हैं आपको चावलों में ब्लैक कलर के कीड़े। तो ये कीड़े जो हैं वो मैंने इसको एक एक करके निकाला, छांटा, बहुत कुछ किया। तो अभी आज सुबह इंटरव्यू है, और इंटरव्यू है एयर होस्टेस का, तो हम जा रहे हैं एयर ब्लू के लिए, एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करने के लिए। सो वहाँ पर इंटरव्यू देंगे मैरियट होटल में। तो आज जो है, क्योंकि उसके लिए मुझे ग्रूमिंग करनी पड़ेगी और अपने बालों को भी वॉश करना होगा, मतलब शावर वगैरह लेना, रात का टाइम है, तो कंडीशन थोड़ी सेट करते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा इसको रगड़ते हैं, मैल शल निकाल लगा लिया, और अब हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ईसे, ईसे कर लेते हैं, शैमा, ई शैमा, ओके। तो बालों को मैंने आज कंघी तो किया ही नहीं था क्योंकि मूड नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो फाइनली आप भी तबीयत ठीक हो, तो स्क्रब वगैरह यूज़ कर लेते हैं। वैसे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है। तो ये आ गया, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है, अपना ही फेस है। एनीवेज मैंने बालों को अच्छे से कवर कर लिया है। जब से मैं आई हूँ ना पंजाब से, तब से मैंने इसको रगड़ा ही नहीं है। तो मतलब ये हर हफ्ते में या 15 दिन में एटलीस्ट इसको रगड़ना चाहिए, ताकि आपकी एक्सेस जो मैल होती है या ब्लैक हेड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ना। तो इसको मैं रगड़ती हूँ अच्छे अच्छे से, पानी भी लगाती हूँ इसको, ताकि 10 से 15 मिनट का ये प्रोसीजर होगा, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। क्रीम लगा ली है, देख रहे हो ये ब्लीच क्रीम, और इससे जो है ये थोड़े थोड़े सा मुझे ना हार्ट लग रहा है फेस के ऊपर, ना हल्का हल्का सा जलन हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा जलन नहीं हो रहा, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी क्रीम लग रही है। वरना दूसरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा जलन कर देती है, वैसे मैंने इतनी ज़्यादा लगाई भी नहीं है। तो ये है कुछ इस तरह का, ये फेम के नाम से है, फेम बाय USA फेयरनेस क्रीम है, और ये डाबर की प्रोडक्ट है। तो यकीनन आप लोगों को आइडिया हो गई, डाबर जो है वो बेसिकली फ्रॉम इंडिया है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, डाबर कंपनी की है, जो कि USA मैंने बाय की थी। ये है विलेज सैली सिल्वेसा के नाम से है, एक विलेज है जो कि वहाँ पर बनती है ये डाबर की प्रोडक्ट्स। कि ये हो चुका है, तो इसको थोड़ा क्लीन करके देखते हैं साइड से कि हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, ये देखो स्किन कैसे सॉफ्ट हो गई है, ओह माय गॉड। ये चेक करो, वैसे इसको दाने को भी अभी होना था, किसी मुझे जाना हो सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भाई सुबह सुबह तो उठने का दिल नहीं हो रहा था, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो मैं 12 बजे उठ गई थी, 12 से पहले 10 बजे उठी थी, लेकिन क्योंकि रात को ग्रूमिंग की, और देखो असर तो आया है, रगड़ने से फेस को काफ़ी असर आया है, और फेस भी काफ़ी क्लीन हो गया है। और मेकअप तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतने दिनों के बाद, इतने टाइम के बाद जाके प्रॉपर ग्रूमिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब फिर भी
कमेंट में बताना कैसा लगा। बाकी ड्रेस अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा पहनूँ, क्योंकि ड्रेस बहुत मैटर करता है। लास्ट टाइम मैं जो ड्रेस पहन के गई थी वो जस्ट कैजुअल था, नॉर्मल था, तो इस बार थोड़ा सा मैं एयर होस्टेस टाइप जो है वो ड्रेसिंग करके जा रही हूँ, तो देखते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो रही है, लाइक थकन हो रही है, लेकिन अब ये है कि दिल कर रहा है अब ये जाने का, नहीं भी कर रहा जाने का। अगर रात में टैबलेट खा लेती, पैनाडोल खा लेती, तो मुझे लगता है कि मैं सही हो सकती थी, लेकिन खाना भूल गई तभी बॉडी अभी पेन कर रही है, शायद स्ट्रेस की वजह से। कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा ड्रेस पहनूँ, ये वाला पहनूँ, एक ये है मेरे पास, एक ये ग्रीन है, ठीक है, और एक ये वाला है ब्लैक वाला। कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि कौन सा पहनूँ। जब आप कहीं जाते हो इंटरव्यू के लिए स्पेशली जाते हो, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि कौन सा ड्रेस पहने, कौन सा पहने, समझ नहीं आ रहा। डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। आई थिंक हम लोग मेरिट में आ गए हैं, मेरिट में इंटरव्यू था। हाँ, डर लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ। हम लोग आ गए हैं इंटरव्यू के लिए, और जो है बस अभी वेट कर रहे हैं कि कितनी देर में इंटरव्यू होगा और बुलाएंगे तो फिर हम जाएंगे। नर्वस हूँ थोड़ा सा, लेकिन यह है कि सुबह से इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इतना रश नहीं है क्योंकि सुबह से हो रहे हैं, तो इस वजह से अभी फ़ौरन ही जाकर थोड़ी देर में ही हम लोग फ्री हो जाएंगे। केबिन ट्रियू रिक्रूट एक्टिविटी कराची। इतने अरसे के बाद मैंने इस तरह की ड्रेसिंग की है, मुझे तो इतना अजीब सा लग रहा है। यलवार की मिस पहनती हूँ ना मैं। सिलेक्शन का कब कुछ बोला है उन्होंने, कब बताया? फाइनल कल है ना, कल बुलाया है। कल भी बुलाया? हाँ, पता नहीं सबको बुलाया है या जो शॉर्ट लिस्ट है उनको बुलाया है। जिन लोगों ने कल बुलाया है इंटरव्यू के लिए, और कल हम लोग जो हैं वो आएंगे 2 बजे, और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश में हुआ प्रॉपर। और ये है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गई थी मैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ जब उन्होंने पूछा, तो फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हुई और मैंने उनको कुछ बताया। तो अभी मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनल में मैं आ गई हूँ। फाइनल में अभी है कि फाइनल इंटरव्यू होगा एंड देन फिर अगर सिलेक्ट हो गई तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं हुई तो भी अच्छी बात है। वो ना, हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं वीडियो बना दे, क्योंकि मेरी ना हमेशा ऐसे व्लॉग भी होती है, तो बन रही है। हाँ, तो आप बना रहे हो। ओके फाइन, ये मेरी फ्रेंड बन गई है मिशेल। हाँ हाँ, डोंट वरी डार्लिंग। मिशेल जो है वो मेरी वीडियो बना रही है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि आप किसी और को भी कैमरा दिया करो ताकि आप किसी वीडियो बनाए। एनीवेज, थैंक यू सो मच मिशेल। नो प्रॉब्लम हनी। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस तरह की ड्रेसिंग की है, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है, कॉन्सर्ट नहीं, लाइव म्यूजिक हो रहा है। हाइट ही है नहीं, ये हाइट ही है। लोग खाना मेरिट में यहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और साथ में हाई टी का है, तो हाई टी पर भी नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, ट्राई करेंगे आप लोगों से शेयर करने का। ये सामने फेयर हॉल है, और फेयर हॉल के साथ ये पूरा मेरिट का रो है, और ये जा रहा है पीपल स्क्वायर की तरफ, रोड्स इन अंदरून शहर की तरफ। फेयर हॉल भी आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी फेयर हॉल के बारे में भी शेयर करूंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई इसलिए मैं फेयर हॉल नहीं जा रही, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फेयर हॉल के बारे में भी। काफ़ी ओल्ड प्लेस है ये, तो अभी मेरी बैक साइड पे ये तीन तलवार से रोड आ रहा है, तीन तलवार से सदर की तरफ जा रहा है, और ये साथ में मैरियट है,
मैरिट होटल का पाकिस्तान का मतलब कराची का सबसे बड़ा होटल है, सबसे बड़ा मतलब पीसी आता है, मैरिट आता है और रीजेंट प्लाजा आता है, तो काफ़ी यहाँ पर मतलब यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। ये मैरिट मेरे ख्याल से 3 या 4 स्टार है ना, 4 स्टार है मैरिट। मैं पाऊँ में ये शूज़ भी जो है ना लग रहा है। कराची द सिटी फॉर ऑल लाइट्स, आप लिखा हुआ है कराची द सिटी फॉर ऑल, द सिटी फॉर ऑल। वाह यार, तो पहले ये कराची द सिटी ऑफ लाइट्स था, अब कराची द सिटी ऑफ फॉर ऑल। कई बड़े जो नमकीन वाले होते हैं, नमकीन वाले हैं, मीठे हैं, नमकीन नहीं है। अभी क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था और इंटरव्यू देकर आई हूँ तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। सिर्फ सुबह से चाय भी नहीं पी, कावा भी आया था, दूध भी ख़त्म हुआ था घर में, तो सुस्ती अभी है ना तो नीचे से लाने में, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई। एक समोसे से मन नहीं भरता और 2 समोसों से पेट नहीं भरता, क्या करूँ यार, मुझे बताओ आइडिया दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं मतलब अभी रात के टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, मैं आके सो गई थी तो फिर मैंने थोड़ा काम भी किया था, आंखों से पता चल रहा होगा कि टून रिव्यू में नींद में आज इंटरव्यू दिया जाए, देखते हैं लक में होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर इट्स ओके, अदरवाइज नो इशू। कल के लिए मुझे बुलाया है इन्होंने और देखते हैं कल क्या होता है। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी और देखो मेकअप मेरा अभी तक परफेक्ट है, तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मेरा मेकअप बिल्कुल सही था या फिर उसमें कुछ कमी थी और ड्रेसिंग कैसी थी। सो वहाँ पर मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई थी मिशेल के नाम से, वो बहुत ही नाइस थी, एमिरेट्स में होती हैं वो, तो मतलब कि वो वहाँ पर आई हुई थी इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई थी तो वो क्लिप भी मैंने उसमें ऐड किया था आप लोगों को। जो है वो आज मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करवाई हैं। वैसे ना मेरे वो जो वीडियो मैंने अपलोड किया था ना उसमें जो समोसे वाला था, तो वहाँ पर वो अंकल जो ऑनर थे वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारी शॉप की जो है ना ऑल वेराइटीज़ का जो है वो एक रिकॉर्ड करें, तो इससे आपको जो व्यूवर्स हैं उनको और वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों क्या कहते हो हम उनकी शॉप पर जाएँ, बिकॉज़ उनके पास बहुत सारी आइटम्स हैं यार और इतने कस्टमर आते हैं उनके पास, डिफरेंट डिफरेंट स्वीट समोसा भी होता है यार, रियली होता है, आप लोग क्या होता है तो बताओ मुझे, और हाँ मुझे बताना उस शॉप पर दोबारा हम बनाए कि नहीं बनाए। बाकी ये है कि ओवरऑल अच्छा डे था, और एक भी मच्छर काट काट के ना इन्होंने मेरे पैरों का हाल बुरा कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ जो है ना यार ये जो रेड वाला बटन है ना इसको सही कर दो, मतलब इसको क्लिक कर दो, मैं नींद में हूँ, आप इसको क्लिक करके ग्रे कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इन लोगों का क्या जाएगा, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मुझे अच्छा फील होगा। कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं अच्छा फील करूँ, अगर चाहते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो ना मेरे चैनल को, बस फ्री में देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। इतनी मासूम सी बच्ची आप लोगों के लिए इतने प्यार प्यार व्लॉग्स रिकॉर्ड करती है, उसको एडिट करती है, उसको आपके लिए अपलोड करती है ताकि आप लोग उसको देखो, और आप लोग हो कि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते और ऊपर से शेयर तक नहीं करते यार, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। एनीवेज कल का डे भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो वो आप लोग मेरे साथ रहो और उसको भी आप देखना, ठीक है ना।